नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी देख रहे हैं माइंड केयर का ये खास सेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे सीबीटी फॉर हेल्थ एंजाइटी का, कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हेल्थ को लेकर कि मुझे ये कोई बीमारी ना हो गई हो तो इसकी एक एंजाइटी रहती है। तो इस एंजाइटी का कारण क्या रहता है, इस पर एक जो आपके पास में एपिसोड, एक वीडियो पहले भी आपके पास में आ रखी है, वो भी बहुत एक काम की बात है कि आप मानने लग जाते हो बजाय इससे कि आप पहले जाने फिर उसको माने। तो मानने में क्या खास सिद्धांत काम करता है, उसी को लेकर आज ये वीडियो है, और इसको आप उस पहले वीडियो का पार्ट सेकंड भी कह सकते हो। दोस्तों, हम मानते कब हैं? हम जैसे ही आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और आगे आपको एक रस्सी नुमा चीज़ जो है वो मिल जाती है, हो सकता है वो वहाँ पर कोई सांप भी हो या फिर वो रस्सी हो, लेकिन आप घबराए, डरे और एकदम से आप वहाँ से भाग लिए। तो उसी के साथ में आपने, जो आपका माइंड है उसने एकदम कन्फर्म ये बोल दिया कि भी वो जो चीज़ पड़ी थी वो सांप ही थी। तो वो सांप कैसे आपके माइंड ने माना, वो आपके एक्शन की वजह से माना। तो इसी प्रकार से जैसे ही आपको कोई एंजाइटी हो, जैसे ही कोई आपको विचार हो कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई हो, तो उसी के साथ में आप कोशिश करें कि उस विचार को एक बार आप विचार ही रहने दें और उस पर आपके जो एक्शन है वो जितने ज़्यादा हो सके वो कम रहें। और यहाँ तक कि कोई जो बड़े एक्शन हैं वो आप अगर लेने से बचेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया कि अगर आपको ज़्यादा कोई समस्या हो रही हो तो आप उसके अंदर किसी एक्सपर्ट को बता सकते हो, एक्सपर्ट को आप दिखा सकते हो। लेकिन आप अगर खुद एक्शन लेते हो, जैसे कि बहुत सारी जो जांचें हैं वो अगर आप एक के बाद अगर वो होने लग जाती है तो वो एक बड़े एक्शन होने लग जाते हैं, और उसके बाद में आपकी जो एंजाइटी है वो बढ़ती है, कम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आपका जो मानने का जो सिस्टम है वो ज़्यादा काम करने लग जाता है, और मानने की वजह से आपका जो बिलीफ है वो जब उस दिशा में काम करता है तो वहाँ से नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आती है जो आपके मन को भी नेगेटिव कर देगी, जिसकी वजह से आपका जो व्यवहार है, आपकी जो चीज़ों को देखने का जो एक नज़रिया है वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको एक्शन जो है वो अगर पॉजिटिव रखोगे, एक्शन आप अगर जानने का रखोगे, एक्शन आप जितना ज़्यादा एक्शन पर आपका अपना अगर कंट्रोल रहेगा उतने ही ज़्यादा आप अपनी इस हेल्थ एंजाइटी का जो इशू है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो ठीक लगी। अगर आप सीबीटी का पूरा सेशन देखना चाहते हो तो वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, आप अपनी बातों को कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचाएं, और सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।